समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश सचिव एवं जुझारू छात्र नेता चौधरी असलम खान ने सभी देशवासियों विशेषकर समस्त प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर अपनी ओर से तथा समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर से समाजवादी छात्र सभा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं तथा दिली मुबारकबाद पेश की है। चौधरी मोहम्मद असलम खां 11 अगस्त की दोपहर को चक्कर की मिलक मुरादाबाद स्थित सपा कार्यालय पर सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश सचिव चौधरी असलम खां ने इस अवसर पर कहा, देखिए जैसे कि आज आपको पता है कि आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जिसमें सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों को, जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं लगभग सभी उनको अपना आदर्श और अपना भगवान मानते हैं। और यदुवंशी, विशेष तौर पर यदुवंशी जो कि उन्हें अपना वंशज मानते हैं जी, आज उनकी जन्माष्टमी है। उस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस पर्व पर, इस खुशी के मौके पर जो है ख़ास तौर पर साफ सफाई का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे और मंदिर वगैरह में जो भी पुनः पूजा अर्चना करनी है उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ है। देखिए अभी स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त आने वाला है, इसको स्वतंत्रता दिवस को हम लोग सभी पहले से आपको पता है कि स्कूल वगैरह में स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम वगैरह होते थे, लेकिन इस क्योंकि इस टाइम कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के काल के चलते हुए ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं कर हो पाएगी, तो उस तरह से तो इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी हम अपने घरों पर झंडा फहराएं और अपनी खुशी का इजहार हम और तरीके से भी कर सकते हैं। किसी गरीब की मदद करें और जो गरीब छात्र छात्राएं हैं, अगर जो अपने पढ़ाई वगैरह करने में सक्षम, मतलब फीस वगैरह भरने में सक्षम नहीं है, हम उन लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो हम क्योंकि हम ऐसा स्वतंत्रता दिवस एक आज़ादी का दिवस है और हम चाहते हैं कि इस आज़ादी के दिवस को हम जो है दूसरों की मदद करने में, इस अवसर पर क्या संकल्प लेना चाहिए देशवासियों को? सभी देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए, देखिए एक आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 को बेशक मिल गई थी जी, लेकिन अभी क्योंकि हम समाजवादी छात्र सभा से हैं और समाजवादी के एक कार्यकर्ता इस टाइम संघर्ष कर रहा है चोरों से आज़ादी दिलाने के लिए। एक आज़ादी हमारे बाप दादाओं ने लड़ी थी, आज़ादी की जंग जी, आज़ादी लड़ी थी गोरों से, और इस टाइम समाजवादी लोग लड़ रहे हैं जंग चोरों से, और चोरों से हमें आज़ादी दिलानी है और 2022 में समाजवादी की सरकार को बहुत बहुमत के साथ में, पूर्ण बहुमत के साथ में हमें सरकार बनानी है, और सभी लोग जो है संकल्प लें और एक दूसरे की मदद करते रहें।